सभी लोग कि एक रेफर करने पर आज की डेट में अगर आपने 1299 से अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है तो एक रेफर करने पर कितना कितने रुपए का वाउचर मिलता है? 5100 का मिलता है। और 5100 में से अगर इन अदर मैनर अगर हम बात करें तो आप 1000-1200 रुपए तो कैश कर लेंगे ना पक्का? बिल्कुल। कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल। जिसमें स्विगी का वाउचर, ओला का वाउचर, दूसरे जितने भी वाउचर, उसमें मेडिकल का वाउचर, 1000-1200 रुपए तो पक्का कैश हो जाएगा आपका? नहीं होगा? हो जाता है। यह थोड़ा स्लो हो रही है सर, हो जाएगा ना जी। अगर आप इसको दूसरी तरह से सोचें कि मैंने 30 लोगों को रेफर किया सर्टेन पीरियड में और उनको ये बोला कि आप 50,000 रुपए का जिस दिन ट्रांजेक्शन कर दोगे ये कार्ड का पैसा मैं दे दूंगा, क्योंकि आप तो कार्ड का पैसा ले चुके हो ना कैश के रूप में एज एन सीनियर, तो कहीं कार्ड की कीमत आ रही है क्या? कंपनी को छोड़ दीजिए, अभी ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं। अगर आप ही अपने रेफर को बोल दें कि मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, अभी तो ले 50,000 का ट्रांजेक्शन कर, क्योंकि आप का जो 5100 का मिला उससे आप 1000-1200 रुपए GST निकाल दो, 2 से पैसे में छोड़ दो, मैं 1000 रुपए मैं तेरे को दे दूंगा। अगर ये इंप्लीमेंट किया और स्मार्ट बुकिंग करते हैं काम, ये भी आप जानते हो ना, और यहाँ जितने बैठे हैं सब स्मार्ट हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, जो यहाँ नहीं पहुंचे वो स्मार्ट नहीं है, दूर है वो नहीं आए, वो रीजन अलग है, अदरवाइज। तो फ्रेंड्स अगर जरा सा इसको सोचो कि अगर ये मल्टीप्लाई किया तो आपके क्लब कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कैन यू गेस? दिन, महीने नहीं। अगर ये मल्टीप्लाई हुआ, आपने कहा अपने रेफर से, उसने कहा अपने रेफर से, पैसा नहीं लग रहा, सबको 5100 का वाउचर मिल रहा है, दे रहा हूं ना वाउचर मिल रहा है, आप उसको कैश करो उसको पैसे, तो 50,000 के ट्रांजेक्शन पर कोई 25,000 बोल सकता है, कोई ये भी बोल सकता है मैं आधे दूंगा, व्हाटएवर इट इज। अगर आप इसको प्लान करो तो आपका 5 क्लब कितने दिन में पूरे होते हैं? एनी गेस? 35 days आई थिंक 21 days, जस्ट 21 days। और आपका COG 1,00,000 का, और 1,00,000 का मतलब 4 से 5 लाख रुपए महीने पक्का आपका है, फिक्स। लेकिन करेंगे कौन? हमारे लिए यही एक सब्जेक्ट है जिंदगी में, जब कभी भी आप मैं भी वहां बैठा करता था कभी, आज मैं यहाँ आया हूँ, तो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, इसको जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आपके लिए टाइम की वैल्यू हो जाएगी, और जिसके लिए टाइम की वैल्यू हो जाएगी वो 21 दिन में कर जाएगा। बी फोकस्ड, बी प्लान, आप एक प्रॉपर प्रोसेस बनाओ, सोचो जो यहां पर सुन के जा रहे हो, अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करो, और आप देखो कि अगर आप, क्योंकि ये हमेशा होता है आप जो बोलते हैं वही चीज नीचे जाती है, अगर आप इसको बोलेंगे कि इस तरह से आप कैलकुलेट करिए, इस तरह से देखिए, तो आप देखना वही नीचे जाएगी। अगर आप एक ने किसी ने 21 दिन में किया तो उसको 1,00,000 रुपए मैं दूंगा अलग से। कार आपका लॉन्च हो गया, ट्रांजेक्शन 7 बजे शुरू हो जाएंगे। हमारे पिछले 3 साल की हिस्ट्री में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे सिस्टम्स को लाए और इम्प्लीमेंट किया, ट्रांजेक्शन किए, आप लोगों ने सभी ने मिलकर इस कंपनी को 0 से 0 तक पहुंचाया, जो आज हम ये बोल पा रहे हैं, इकट्ठे होकर बात कर पा रहे हैं। हम लोग करीब करीब आज तक 141 करोड़ का ट्रांजेक्शन हमने किया है, 141 करोड़ आज तक। लेकिन जैसे मैंने बोला कि शायद हमने अभी शुरुआत नहीं की, तो यहां से हम अगले 1 साल का टारगेट क्या लेंगे एज एन ए मैनेजमेंट, और वो आपके सहयोग से, क्योंकि जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक तो वो होगा नहीं,
तो वो अगले एक साल का हमारा क्या विजन है, क्या टारगेट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। जो ब्रह्मप्रकाश जी ने बोला, विकास जी ने बोला कि अभी यहाँ से देखिए क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या होने वाला है। जैसे आपको बताया, सेल्फ में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल गया अगर सितंबर दो महीने के लिए है। सितंबर एंड में अगर ये एक्सटेंड होगा या चेंज होगा तो फिर बताएंगे, लेकिन उम्मीद है कि बढ़ेगा, बट उसका वेट नहीं करना है। अगर सितंबर में मैक्सिमम बिजनेस करना है ताकि लोगों को ये पता लगे, सीरियसली पता लगे कि इस तरह का काम करके भी लाखों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। ये एग्जांपल आप ही लोग बनाएंगे क्योंकि अब यहाँ से फ्लाइंग होना शुरू हो रहा है। तो हम अगले एक साल में क्या क्या और आने वाला है और उसमें हम कितना टारगेट लेने वाले हैं और उस टारगेट से कितना टर्नओवर होने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको। हम यूपीआई लेके आएंगे, यूपीआई के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है पहले, आप सभी लोग जानते हो। आप ही की कंपनी के लिए, मुझे ऐसा लगता है सीरियसली गाइस कि शायद आप ही की कंपनी के लिए यूपीआई में इंटरचेंज आ जाए, जो उससे पहले नहीं था। और यूपीआई में इंटरचेंज चार्ज मतलब कितना पैसा आप निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो यूपीआई हम लेके आएंगे, फास्टैग हम लेके आएंगे। फास्टैग में पहला कंपनी बनेगी आपकी जो आपके जैसे ही पैसा कटेगा टोल का और आपको कमीशन मिलेगा। कोई कंपनी एक बता दो, हिंदुस्तान में सारी बैंक फास्टैग देती है, कोई एक बता दो। लेकिन आपकी कंपनी होगी कि जैसे ही टोल से गाड़ी निकलेगी, अभी हम सबकी गाड़ी में टोल लगा होगा, फास्टैग लगा होगा और सबके पैसे कटते हैं, लेकिन कटने का मैसेज आता है, कमीशन आने का मैसेज कोई नहीं देता। हम आपको आपके घर बैठे, आप ट्रेवल भी नहीं कर रहे, आपके रेफर लोग ट्रेवल कर रहे हैं, किसी को आपने रेफर दिया वो ट्रेवल कर रहे हैं, उसके ट्रेवल पे पैसा कटते ही आपके घर पे बैठ के कमीशन आएगा। और इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, सब मैंडेटरी, सब जानते हैं, फास्टैग लगा रहे हैं नहीं तो डबल कैश दो वहां पर काउंटर पर, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है कमीशन देना। जो कार्ड है, कार्ड से जो हमने अभी लॉन्च किया, करीब सितंबर और अक्टूबर के बीच में हमारा ये कार्ड मेट्रो पे शुरू होगा। अभी तक मेट्रो से कमीशन मिला किसी को? रिचार्ज करने पर ट्रेवल करने मिला किसी को? अलग से आपको कार्ड के पैसे देने पड़ते हैं और उसमें पैसे डाल के रखना पड़ता है, और अगर वो कार्ड गिर गया तो जिसके हाथ में मिला उसका हो गया, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है आपके पास। लेकिन आपकी कंपनी के कार्ड से, कार्ड से ट्रेवल मेट्रो का शुरू होगा सितंबर अक्टूबर के बीच में। तो जैसे ही मेट्रो से आप ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल खत्म होगा आपको कमीशन आएगा, और सिर्फ आपके करने से नहीं आएगा, आपके रेफर के लोग भी ट्रांजेक्शन ट्रेवल करेंगे तो आपको कमीशन आएगा। आपको पता है मेट्रो के कितने कार्ड इश्यू हैं दिल्ली में? मैंने बताया था पिछली बार, मैंने बताया था, वही फिगर याद है। हमने सिखा बहुत दिया यार सब, आप लोगों ने मिलकर हमारे ट्रेनर से नंबर आएगा, ट्रेनर से सिखा बहुत दिया। 3 करोड़ मेट्रो के कार्ड इश्यूड हैं दिल्ली में, 3 करोड़, और 80 लाख, 70 से 80 लाख पर डे ट्रेवल होता है मेट्रो में। इसका मतलब 70 से 80 लाख लोग, मतलब अगर हमारा कार्ड सब पर चला जाए तो 70 से 80 लाख ट्रांजेक्शन होंगे जिसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा सिर्फ दिल्ली मेट्रो से। ये बाकी की मेट्रो की बात नहीं होगी, सिर्फ दिल्ली मेट्रो से। लेकिन हम कहते हैं इसका 1/3 कि हम आप लोगों के जुनून को मैं जानता हूं, तो उस जुनून के साथ अगर मैं कहता हूं कि आपने 10% ही कब्जा किया, बाकी बैंक में हंगामा चाहेंगे, लेकिन कमीशन हम देंगे तो हम जीतेंगे, ये तय है। बाकी कोई लोग कमीशन नहीं दे रहे तो हम जीतेंगे, तय है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं 10% में हम आए तो भी 7 से 8 लाख नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, समवेयर अराउंड 1 मिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे, 10 लाख नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे पर जो भी पैसा आएगा कम होगा क्या?
10 लाख नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट की बात नहीं हो रही, अगर हम 10% पे जाते हैं, लेकिन हम बाकी 90% दूसरों को क्यों जाने देंगे? फ्रेंड्स, लीड करना इंडस्ट्री को, आज कसम खा के जानी है यहां से कि हम इस इंडस्ट्री को लीड करेंगे आने वाले टाइम पर। Yes, लेकिन वो मैं आपके बिहार पर कसम खाऊंगा, आप लोगों को खानी पड़ेगी मेरे साथ कि वी शुड लीव दिस इंडस्ट्री, वी शुड लीव दिस सिस्टम बेस्ड ऑन अवर प्रोसेस। ये कहीं किसी के पास नहीं है जो आपके पास है, वही वजह है कि हम 3 साल से एक साथ हैं और अब जिंदगी भर साथ रहेंगे, यही वजह है। मनी ट्रांसफर शुरू करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मर्चेंट ऑनबोर्डिंग शुरू करेंगे। और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोसेस लेके आ रहा हूं, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोसेस मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में, जो जहां पर लोगों की सोच खत्म होगी वहां से शुरू कर रहा है मैंने वो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग। मैंने जब मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोग कहते हैं मैं ये मर्चेंट बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, फास्ट ट्रैक करूंगा। तो लोग क्या बोलते हैं जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, बोले सर कहीं जगह है करने की, मतलब उनके हिसाब से लगता है इंडस्ट्री खत्म हो गई। एक जगह बिल्कुल सही है कि फास्ट ट्रैक तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन रिप्लेसमेंट कहां खत्म हुआ ये वो सोचते नहीं है, ये हम सोचते हैं। हमारा फास्ट ट्रैक लगेगा जो कि हम कमीशन दे रहे हैं उसका हटा देंगे, उसमें है क्या? ये उनकी सोच नहीं है, मेरी। मैं कहता हूं मैं आऊंगा तब मैं हम लीड करेंगे इसको, वो कहते हैं कैसे लीड करोगे, अब ये तो फॉर्मूला उनको थोड़ी बताएंगे कैसे लीड करेंगे। तो वैसे ही मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में जब कभी आप बात करेंगे किसी से तो लोग कहेंगे कि मर्चेंट तो सबने कर लिया ना। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में डाटा है पेटीएम या फोन पे का, मैंने कहीं पढ़ा था शायद 3.5 करोड़ मर्चेंट उन्होंने ऑनबोर्ड किए हुए, 3.5 करोड़ मर्चेंट। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम करीब करीब 10 करोड़ मर्चेंट ऑनबोर्ड करेंगे, क्योंकि हम उस सभी कैटेगरी को कवर करेंगे जो इन लोगों ने छोड़ दी। उस वजह से हमारा मर्चेंट ऑनबोर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग ये हमारा यूपीआई के साथ आएगा, जब यूपीआई आएगी उसके साथ आएगा। तो तब तक दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आप अपना सीयूजी बना लो, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी सीयूजी उसकी उतनी बड़ी इनकम। विकास जी ने कुछ और बोला था, मैं कुछ उसका बदल दे रहा हूं, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी सीयूजी होगी उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। प्रोडक्ट बहुत आने वाले हैं और ऐसे आने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। इसका कुछ टारगेट का मैं बताता हूं कि हमारा अगले 1 साल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर क्या करेंगे। वॉलेट यूजर बेस, अभी तक क्या होता था, हम यूजर रजिस्टर करते थे लेकिन वो यूजर सिर्फ कई बार यूजर बन के रह जाता था और कार्ड नहीं बाय करता था, कई बार ऐसा होता था। लेकिन अब वो नहीं होगा, क्योंकि जो यूजर बन जाएगा वॉलेट फ्री में रजिस्टर्ड हो रहा है, वॉलेट तो जरूर बनाएगा, और जब वो वॉलेट बना लेगा तो वॉलेट से ट्रांजेक्शन करेगा ही करेगा, पहले नहीं होता था अब होगा। तो हमारा आगे आने वाला टारगेट 1 साल में 5 करोड़ यूजर पे, 5 करोड़ वॉलेट रजिस्टर्ड यूजर का है। 5 करोड़ कम है ज्यादा है? कम है। कोई ज्यादा भी बोले यार, ज्यादा कैसे बोले? 5 करोड़ ज्यादा है, 50 करोड़ में कैसे पहुंचेंगे? 50 करोड़ यूजर पे पहुंचना है ना, 3 से 5 साल में कैसे पहुंचेंगे? तो 5 करोड़ पहले साल का करना है, उसमें से 1 करोड़ कार्ड यूजर बेस। परसेंटेज ठीक है कि बढ़ाते हैं इसको? यूपीआई यूजर बेस 3 करोड़, जो वॉलेट रजिस्टर कर लेगा वो यूपीआई ट्रांजेक्शन करेगा, उसमें है कुछ नहीं, मैंने तो कैलकुलेशन भी दिखाया कि बाई डिफॉल्ट करेगा वो। इसीलिए बोल रहा हूँ 5 करोड़ कम है, क्योंकि जिस दिन आप यूपीआई लाओगे
और यूपीआई पर कमीशन दोगे हर ट्रांजेक्शन पर, आपका आम आदमी, गलत बोल गया ये नहीं बोलना चाहिए, हमारे कॉमन यूजर्स ऑफ द कंट्री आपके यूजर बन जाएंगे, बिना पैसे के वहां पैसा नहीं है। और जब एक तरफ से आदमी आता है ना कमीशन के लिए, तो वो नंबर बहुत तेजी से जाएगा, इसीलिए 5 करोड़ की मैंने फिगर ली। मर्चेंट बेस 1 करोड़ पहले साल, ये अगले 1 साल का टारगेट है, तो अगले जो 30 जुलाई को मिलेंगे तो ये होना चाहिए। 4 लोग यस बोल रहे, फिर कहां से होगा? अब लगता है कुछ होगा। फास्टिंग यूजर बेस 10 लाख, ये भी कम है वैसे, पर ठीक है, पहले 10 लाख से पैसे कमाओ फिर आगे बढ़ेंगे। और मनी ट्रांसफर यूजर बेस 1 करोड़, ये 1 लाख, सॉरी 1 लाख, क्योंकि ये एजेंट बनते हैं। मनी ट्रांसफर आपको बताओ एजेंट बनते हैं, एजेंट बन गई वो डीएमटी का जो एजेंट बनते हैं, वो एजेंट बनाने पड़ते हैं, तो हम वो एक एजेंट मल्टीपल ट्रांजेक्शन करता है, तो हम एजेंट 1 लाख लेके चल रहे हैं। ट्रांजेक्शन कितने हो सकते हैं वो प्रपोज है, वॉलेट ट्रांजेक्शन हम 80 करोड़ रुपए पर डे के वॉलेट ट्रांजेक्शन करेंगे। ये ज्यादा है कम है, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो? कम है। मैंने बहुत बियर मिनिमम लिया है, 1 यूजर 16 रुपए पर डे करेगा, वो कैलकुलेशन सिर्फ 16 रुपए पर डे अगर आप करते हो तो 80 करोड़ रुपए पर डे का सिर्फ वॉलेट ट्रांजेक्शन हमारा होगा। 16 रुपए कर सकते हैं ना, 16-17 रुपए पर डे हो सकता है ना। कार्ड ट्रांजेक्शन 34 करोड़ पर डे, इसमें करीब मैंने करीब 100 रुपए पर डे लिया है, क्योंकि कार्ड से थोड़ा, वॉलेट से हम एक्चुअली यूज क्या करेंगे, वॉलेट से हम रिचार्ज करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, इंश्योरेंस भरेंगे, यही करेंगे ना वॉलेट से, इसके लिए कम किया। कार्ड से हम शॉपिंग करेंगे, कार्ड से हम मेजर शॉपिंग करेंगे, टिकट वगैरह बुक करेंगे तो वो कार्ड से होगा। यूपीआई ट्रांजेक्शन 300 करोड़ पर डे, तीन करोड़ यूजर है, 100 रुपए रोज तो यूजर करेगा ना, 1 यूजर 100 रुपए पर डे तो करेगा एवरेज, कि 100 रुपए नहीं करेगा यार, मुझे जस्टिफाई तो करो, मैंने फिगर बनाई है। कम कम ज्यादा है तो ऊपर नीचे कर लेंगे, बिल बार कुछ कर लेंगे आगे पीछे। फास्टैग ट्रांजेक्शन 2 करोड़ पर डे, अगर हम 10 लाख गाड़ियों पर लगा देते हैं तो 2 करोड़ पर डे हो जाएगा। मर्चेंट ट्रांजेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मर्चेंट मल्टीपल लोगों से पैसा लेगा। यहां पर हम एक यूजर एक एक दो दो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मर्चेंट पर मल्टीपल लोगों से पैसा आएगा तो वहां पर वो वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि एक मर्चेंट हो सकता है दिन में 100 ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तो वो 1000 करोड़ पर डे। मनी ट्रांसफर 1 करोड़ पर डे, 1417 करोड़ रुपए पर डे का ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन हम सबको आज प्लान करके जाना है कि इसमें से 1417 करोड़ में से आप इंडिविजुअल का कितना हिस्सा होगा, क्योंकि उससे पैसे आपको मिलने वाले हैं। अपना अपना निकाल के कहीं फोन में व्हाट्सएप पे लिख लो कि मैं इसमें से कितना लूंगा, फिर मुझे बताना तो मैं बताऊंगा आपको इतना मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर हम ये भी कर पाए, अगर हम ये भी कर पाए तो शायद इंडस्ट्री के 1% में आते हैं। लेकिन मैंने तो लीड करने की बात करी है, इंडस्ट्री को लीड करेंगे। फ्रेंड्स इसमें सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अथाह पैसा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे नींद नहीं आती है, इतना पैसा है इसमें। लेकिन आप लोग सो रहे हो अभी, जो कल से नहीं सोने चाहिए,
ठीक है, थैंक यू।